हेलो प्यारे बच्चों, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम एक और फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर हम छोटे से फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर लेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लेंगे। वैसे उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो बहुत सारे डिटेल कॉन्सेप्ट कर रखे हैं ना, फिर भी यहां पर ई की एक्स में फंक्शन गिवन है तो ई की एक्स को एक मिनट के लिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, टी मान लेते हैं। फंक्शन को पूरी तरीके से टी में कन्वर्ट कर लेंगे। डेरिवेटिव क्या होता है ई की पावर एक्स का? ई की पावर एक्स होता है डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ई एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी, ठीक है। अपोन में चेंज हो जाएगा 1 + t 2 + t, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं साइड में लिखता हूं, तब इसे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट प्ले करना आ जाए। क्या लिखा है 1 अपॉन में 1 + t और 2 + t। डिनोमिनेटर वाले फैक्टर हमारे पास फॉर्म में फैक्टर की फॉर्म में ले आएगी x + a x + b की फॉर्म में। क्वाड्रेटिक होगी देख लेंगे, क्यूबिकल होगी, जो भी हो देख लेंगे। सारे टाइप्स सभी टर्म्स मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, सभी एक्सरसाइज के लिए, नोट्स के लिए, उनकी डेरिवेशंस के लिए, आइडेंटिटीज के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज सब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। टर्म टू की मैथ्स के लिए आपको बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन काफी यूजफुल रहेगी वो प्लेलिस्ट, है ना। अब हमारे पास इसको क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को ए के अपॉन में लिखते हैं, सेकंड वाले को बी के अपॉन में। पार्शियल फ्रैक्शन करने का सबसे मेन रूल ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा न्यूमिनेटर से बड़ी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, ना छोटी ना इक्वल, बड़ी ही होनी चाहिए। यहाँ पर पावर 2 है तो ऊपर तो डिग्री है ही नहीं, तो इसलिए ग्रेटर है। एलसीएम लेते हैं 1 + t और ये आएगा 2 + t, सेम लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा a, बिना एलसीएम वाले पार्ट से भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा सर ना। मैंने दो दो मेथड करा रखे, मेरे यहाँ पर ना बहुत अच्छी चीज हिट हो रहे हैं माइंड में कि मैंने तो ये भी कराया, तो डिफरेंट मेथड से भी आपसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये आया, इससे ये पॉइंट कैंसिल, सो क्या आएगा 1 = a 2 + t, b 1 + t। डायरेक्ट लिखना भी सिखाया मैंने, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखते डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लिख देंगे वहां पर। तो यहां पर हम एक एक करके रखते हैं, पहले 2 + t को अगर मैं 0 के इक्वल रखता हूं तो t की वैल्यू -2 आएगी, और -2 रखते हैं यहां पर तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 + t को 0 रख रहा हूं मैं। यहां पर t की वैल्यू क्या रख रहे हैं -2, सो 1 = -b, सो b की वैल्यू -1, तो b तो आ गया। सेम ऐसे ही क्या करते हैं हम, दूसरा फैक्टर 1 + t, अगर मैं 1 + t को 0 के इक्वल रख दूंगा, 1 + t को 0 के इक्वल रख दूंगा तो t की वैल्यू -1, 1 + t को 0 रख दूंगा तो खाली a तो बचेगा 2 - 1, सो 1 आ गई हमारे पास किसकी, a की वैल्यू। सो a और b दोनों वैल्यूज आ गई। इसको हमने ऐसा लिखा था, a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है और 1 के अपॉन में क्या है 1 + t, b की वैल्यू -1 आई है, इसके अपॉन में क्या है 2 + t। डी टी सेम इंटीग्रेट करते हैं, 1 / t का इंटीग्रेशन, 1 / x का log x, इसका भी इसको x मानते हैं, इसको डेरिवेटिव अपॉन में करते हैं, लेकिन यहां पर वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना। इंटीग्रेशन हो गया, माइनस में log की प्रॉपर्टी, माइनस वाला अपॉन में आता है 1 + t, और t की वैल्यू हम डायरेक्ट चाहे तो रख सकते हैं यहां पर e की x अपॉन में 2 + e की x। तो फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है, कॉन्सेप्ट आपको प्ले करना आ गया। और पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जहां तक का मुझे अंदाजा है कि ओके हो गया होगा, नहीं भी हुआ था डिटेल वीडियो देखिए, तभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, तब मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। वीडियो या आज का क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप।